हेलो फ्रेंड्स, जेके स्टडी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के लिए रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें से आज हम लाए हैं एक उसका सब सेक्शन जो कि डायरेक्शन सेंस है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन सेंस है इसमें से कम 3 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं कि एक ही क्वेश्चन आपको देंगे तो उसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तीनों क्वेश्चन जो है वो निकल जाएंगे। तो इस को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुंचे। तो आप घबराओ नहीं, आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखो, ठीक है, लास्ट तक आप इस वीडियो को देखो तो आपको ये पूरा जो है ये समझ आएगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखो अभी अभी भी आप क्या सोच रहे हो कि हमें डायरेक्शन नहीं आती है, मुश्किल होगी, लेकिन आप वीडियो को बंद मत करो, आप इसको एंड तक देखो, आपको समझ आएगी। मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको देखेंगे हम जीरो से कि इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन है क्या, ये कैसे होती है, इसका क्वेश्चन कैसे निकालना है, तो आज हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन का क्वेश्चन जब हम निकालते हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि ये जो डायरेक्शन है इसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमें हर वक्त पता होनी चाहिए, तब जाके हम इसका क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, वो क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ किस साइड आता है, साउथ किस साइड आता है, वेस्ट किस साइड है, ईस्ट किस साइड है। तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगा, ठीक है, ये पहले हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये 4 साइड होंगे। सबको पता है कि जो डायरेक्शन होती है उसके 4 साइड होंगे, एक ये डायरेक्शन है इधर के लिए, एक वाली डायरेक्शन है इधर के लिए, जैसे मैं इधर के लिए हूँ ये वाली वो डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मैं ऊपर के लिए हूँ ऐसे तो ये वाली डायरेक्शन है, अगर मैं इधर के लिए हूँ ऐसे ऐसे तो ये डायरेक्शन है, ठीक है, अगर मैं इधर के लिए हूँ तो ये वाली डायरेक्शन हुई, ठीक है। अब ये जो 4 डायरेक्शनें हैं इनका कुछ नाम भी है, ठीक है, इनको कुछ नाम भी है, जैसे इस डायरेक्शन को हम कहते हैं कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ, ठीक है। जब हम इधर के लिए ऐसे हैं इसको हम नॉर्थ कहेंगे, इधर के लिए जब हम हैं इसको ईस्ट कहेंगे, ठीक है, ईस्ट, ये वाली क्या है, नॉर्थ, इधर के लिए नॉर्थ है, इधर के लिए ईस्ट है, और इधर के लिए क्या है, वेस्ट, किधर के लिए, इधर के लिए है वेस्ट, और जब हम इधर के लिए हैं तो ये क्या है, साउथ, ठीक है। ये ऊपर के लिए हुआ नॉर्थ, इधर के लिए वेस्ट, इधर के लिए ईस्ट, इधर के लिए साउथ। तो आप इसको आराम से एक बार सोचो, इसको याद रखना है दिमाग में, ठीक है, सिर्फ कुछ चीजें आपको याद रखनी है, उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन जो है डायरेक्शन के वो आपको खुद ब खुद आएंगे, आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो इसके कुछ, जैसे ये 4 साइड है, इसके बीच भी कुछ साइड आते हैं, ठीक है, मतलब ये वाली डायरेक्शन जो है इधर से इधर तक जो गैप है ना, इसका भी कुछ एक नाम है, ठीक है, ये जो साइड है इसका भी कुछ नाम है, ये वाली साइड है इसका भी कुछ नाम है, ये वाली साइड है इसका भी कुछ नाम है, और इसका भी कुछ नाम है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो इधर से इधर तक है ना गैप, इस साइड को हम क्या कहेंगे, मतलब अगर यहां से आप, यहां पे कोई बंदा खड़ा है यहां से इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है, तो अगर हम कहेंगे वो किस डायरेक्शन में चल रहा है तो वो हम देखेंगे, ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, हम शॉर्ट में लिखेंगे, एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और ये जो ये वाली है इसको क्या हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट, ठीक है। और एक बात, इसको हम नॉर्थ ईस्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए हम इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और ये जो साइड है ना यहां से यहां तक, इसके बीच किसके बीच में ये आ रही है,
साउथ और ईस्ट के बीच में, इसलिए हम क्या इसको नाम देते हैं साउथ ईस्ट। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसलिए हम इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। इसको हम नॉर्थ वेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, इसलिए हम इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। और ये जो साइड है इसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो इसको मैं थोड़ा यहां से मिटा दूंगा, ठीक है, ये भी मिटा देंगे हम, थोड़ा सा ये भी मिटा देंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा, ये वाली नॉर्थ, ये वाली साउथ, ये वाली वेस्ट, ये वाली ईस्ट, ठीक है। अब ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है साउथ वेस्ट, ठीक है। समझ में आया आपको, वीडियो को एक बार पीछे और लो, आप स्टार्टिंग से देखो, लेकिन इसको देखो, इसको छोड़ो मत, क्योंकि अगर आपको क्लास फोर्थ में लगना है, आपने सोचा है कि लगना है, फिर ये तो समझना है, चाहे आपको ये वीडियो दो बार क्यों ना देखनी पड़ी, लेकिन ऐसी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, मैं आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, क्योंकि बाद में भूल जाएगा आपको। तो आपको समझ आया होगा थोड़ा सा। तो अब एक बात और है, ठीक है, ये तो आपको समझ आया होगा पूरा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ कमी पेशी रहेगी इसमें, आप वीडियो पे कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा। तो इसके बाद एक और चीज है, जैसे कि ये बंदा यहां पे है, ठीक है, यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये ऐसे मैं चल रहा हूं इधर के लिए, ठीक है। मैं अगर ऐसे खड़ा हूं इधर के लिए, ठीक, ऐसे मैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ की। तो इसका मतलब मैं नॉर्थ की तरफ हूं। अब मैं अगर लेफ्ट लेता हूं, ये साइड मेरी क्या है, राइट साइड है, और ये साइड मेरी क्या है, लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ की तरफ हूं, ये वाली साइड मेरी राइट है, ये वाली लेफ्ट है, ठीक है। तो और एक पॉइंट, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, ठीक हो, ठीक है, तो आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, तो आपको कभी क्वेश्चन में लिखा होगा ही स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम, हाउस या ऑफिस। तो आप के सामने जब भी क्वेश्चन में होम ऐसे वो लिखे होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको मानना है कि बंदा जो है उसने यहां से चलना स्टार्ट किया है, चाहे फिर वो कहीं भी जाए, लेकिन जब भी आप चलोगे यहां से चलोगे, ठीक है। आपको अगर बोलेंगे नॉर्थ जाना है होम से, तो आप यहां से नॉर्थ की तरफ चलोगे। अगर आपको बोलेगा कि ही स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर होम टू साउथ, तो होम यहां है, साउथ की तरफ चलना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया होगा, जब भी आप स्टार्ट करोगे यहां से करना है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये जो डायरेक्शन सेंस है, इसके हम आज दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गोइंग 50 मीटर्स टू द साउथ ऑफ हर हाउस, ठीक है। ये देखो, पहले हम ऐसा एक बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, मैं देखूंगा पहले यहाँ पे कैमरा में पूरा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। ये साइड क्या है, नॉर्थ, ये साइड है साउथ, ये साइड है वेस्ट, ये साइड है ईस्ट, मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है, वहां पे मैंने पूरा लिखा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा। तो अब क्या बोल, गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस, ठीक है, ये हमारा होम है, इसका मतलब ये होम है, ठीक है, या उसका हाउस ये है, यहाँ पे है हाउस। यहां से कहां गया है वो अभी पता नहीं हमें कुछ, लेकिन कहां कौन गया, गोइंग 50 मीटर टू द साउथ, इसका मतलब है यहां से कोई बंदा जो है वो 50 मीटर गया है इधर, ठीक, लिखेंगे हम 50 मीटर, ठीक है, हम मानते हैं इतना, खुद ही आप अंदाजा लगाओ, आपको मापने की जरूरत नहीं, जिस हिसाब से लिखा होगा आप उतना अपने हिसाब से उसको नीचे तक लाओ, लाइन को उतना कम लिखा होगा तो इससे कम, अगर 30 यहां पे लिखा होगा फिर इससे कम थोड़ा लेना, तो क्वेश्चन में इसकी टेंशन नहीं लेना। तो 50 मीटर कितना गया है, 100 तक। उसके बाद क्या लिखा है, दूसरी लाइन, राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर, यहां है अब जब ऐसे है, ये साउथ की तरफ है, ठीक है, इसका मतलब ऐसे ही आप भी वहां पे अभी आप ऐसे ही समझो, ऐसे है जब वो यहां से क्या लिया है, उस टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, अब उसने लेफ्ट लिया है, ये राइट साइड है हमारी और ये साइड जो है लेफ्ट है, इसका मतलब वहां से वो कहां घूमी है, यहां के लिए लेफ्ट, ठीक है,
जब हम ऐसे थे यहाँ आप हमारा राइट था, यहाँ हमारा लेफ्ट था, लेकिन जब हम ऐसे घूमे साउथ की तरफ तो ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट, ठीक, बिल्कुल उल्टा। तो कितना चला वो? 20 मीटर, ठीक है। लेकिन आपको एक यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ से आपने यहाँ तक जो लाइन खींची है 50 मीटर की, उससे थोड़ी कम ये होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 20 मीटर ही लिखा है, ठीक। तो दूसरी लाइन भी हुई, और आपको ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी ऐसी लाइन बीच में नहीं रहनी चाहिए, धुलनी कोई भी लाइन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक भी लाइन इसमें से मिस हुई तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो अगली लाइन है, देन टर्निंग टू द नॉर्थ, जब वो यहाँ के लिए है, ठीक। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं, देन टर्निंग टू द नॉर्थ, अब वो ऐसे चल रही है, जब ऐसे कोई चल रहा है, जब हम ऐसे चल रहे हैं तो अब उसने नॉर्थ घूमा, ठीक है, और नॉर्थ साइड कहाँ है, ऊपर। तो ये देख, ये नॉर्थ साइड चली, ठीक, कितना चली, 30 मीटर। Then turning to the north, she goes 30 meter. इसका मतलब जब वो नॉर्थ घूमी वो 30 मीटर चली। अब हम 30 मीटर कितनी लाइन खींचेंगे 30 मीटर के लिए, यहां से यहां तक 50 है, इसका मतलब इससे थोड़ा कम ही आएगा ना 30 मीटर, दिमाग खुद आप लगाओ, अगर यहां से यहां तक 50 मीटर है तो इसका मतलब इससे थोड़ा कम हमें लेना है, तो यहां तक हम लेंगे 30 मीटर, ठीक, 30 मीटर, यहां से यहां तक 50, यहां से यहां 20, यहां से यहां 30। अब वो कहां खड़ी है, यहां पे, कौन, राधिका, राधिका जो है वो यहां पे खड़ी है। इसके बाद है, एंड देन स्टार्ट्स वॉकिंग टू हर हाउस, एंड देन स्टार्ट्स वॉकिंग टू हर हाउस। अब उसके बाद राधिका क्या कर रही है, अपने घर की तरफ चल रही है, ठीक है, यहां पे उसका घर है, राधिका का घर यहां है, और यहां पे वो रुकी है और चल रही है अपने घर के लिए। तो ये देखो, यहां से जब वो चली गई, अब इधर जाके इधर मत आएगी, वो तो डायरेक्ट ही जाएगी शॉर्टकट रास्ते से, तो ऐसे वो जा रही है, ठीक है, इसका मतलब ऐसे इस रास्ते से राधिका आएगी, ठीक है, इस रास्ते से राधिका आएगी, और आगे हम, इसका मतलब यहां से वो अपने घर के लिए चल रही है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ। अब क्वेश्चन जो लास्ट पे है वो इस लाइन में छुपा है सारा, जो हमें आंसर वहां पे देना है, ठीक है, इसको भी हमने अच्छी तरह वहां पे समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है लास्ट पे, इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, आप खुद वीडियो पे कमेंट करो, आपको क्या लगता है किस डायरेक्शन में है वो अभी, ये देखो इस डायरेक्शन में चल रही है, ये डायरेक्शन जो है ये कौन सी डायरेक्शन, ये देखो इस डायरेक्शन में वो चल रही है अभी, ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन है इसका मतलब ऐसे चल रही है वो, ये डायरेक्शन जो है मैंने आपको अभी कहा ये वाली डायरेक्शन में चल रही है, और इस डायरेक्शन का नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अभी जो वो चल रही है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, तो वहां आपको ऑप्शन लिखे होंगे, ठीक है, जैसे नॉर्थ बी ऑप्शन होगा नॉर्थ वेस्ट, सी ऑप्शन होगा ई वेस्ट खाली, और डी होगा साउथ, ठीक है, तो आपने क्या करना है वहां पे इसका जो आंसर वो सही आंसर देना है, वो कहां चल रही है अभी, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाया। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है, माफ करना अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना था, वीडियो को थोड़ा पीछे लेना, तो स्क्रीनशॉट आप आराम से खींच सकते हो स्क्रीन, ठीक है। तो हमारे पास अब है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसके ऑप्शन भी मैं यहां लिख लेता हूं, 10 मीटर, पांच किलोमीटर, ठीक है, ये चार ऑप्शन मैंने इसके लिखे। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, क्या लिखूंगा,